मिस्टर हिकमत, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आप ही के कारण मैं एकेडमिशियन बन पाया। मैंने आपको हमेशा अपना रोल मॉडल माना है, आपने मुझे मदद करना, दूसरों के प्रति आभार जताना सिखाया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको निराश नहीं किया होगा। आशा करता हूँ थीसिस जूरी का सामना करने के बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार मैं आपके लिए और भी अच्छी खबर लेकर आऊंगा। ठीक है, अब मैं इन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मैं आपसे फिर मिलने आऊंगा, ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास समय है तो मैं चाहूंगी कि आप कॉफी पीकर जाएं। तकल्लुफ मत करो, मैं पहले ही बिना पूछे यहाँ आ गया। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए, आप इतनी दूर आए हैं, बिना कॉफी पिए मत जाइए। ठीक है, सी यू। बजट वाला पेज कहाँ गया? ये वो फाइल नहीं है। काम नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तुम हर सेकंड मेरे दिमाग में हो, और तुम मेरे दिमाग में हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये इस तरह नहीं चल सकता। हाई स्कूल के लवर की तरह लेटर लिखना और फिर इतना संघर्ष करना कि तुम समझ जाओ कि वो लेटर मैंने लिखा है। मैं शुरुआत से यही कर रहा हूं, उसे साफ साफ कह नहीं पा रहा। आ जाओ। क्या बात है, आप दुखी लग रहे हैं। लॉयर ने आपको कोई बुरी खबर दी है? नहीं जेमरे, उसने बहुत सी बेवकूफों भरी बातें की है, उसी से मैं थोड़ा परेशान हूं। जब तक तुम नहीं आई थी, फिर अचानक सारे काले बादल हट गए। मैं ये कहने आई थी कि हमारे यहां मेहमान आए हैं। ऐसा कौन सा मेहमान है जो मुझे अपनी वाइफ को किस करने से रोक रहा है? प्रोफेसर एडम, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, मुझे याद है मुझे। वो यहाँ किस लिए आया है, ये जान सकता हूँ मैं? शुक्र है उन्होंने मुझे वो नोट्स ला के दिए जो मैंने लेक्चर में मिस किए थे, और उन्होंने किताबें भी लाई है। और अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। मैं ये कहने आई थी कि वो अंकल से मिलने आए हैं। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एमर, मैं एडम गेंचोलू हूँ, हम स्कूल में मिले थे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तो आप मेरी वाइफ के लिए नोट्स लेकर आए हैं ताकि उन्हें पढ़ाई में दिक्कत ना आए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। मैंने जब रेहान का उत्साह और दृढ़ता देखी तो मैं उसकी मदद करना चाहता था। मुझे यकीन है रेहान बहुत जल्द कवर अप कर लेगी। अच्छा, ऐसा है, कितनी अच्छी बात है, वेरी नाइस। अच्छा, आपको मेरी पत्नी पर इतना भरोसा है? मुझे देखकर खुशी हो रही है। रेहान से भी मैंने आपके पिता के बारे में, माफ करना, मुझे आंसर करना होगा, ये जरूरी है। हेलो,
हूँ? जो मैं हमेशा करता हूँ। मुझे लगता है मैं जब चाहे अपनी वाइफ का हाथ पकड़ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अभी जाना होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम लोग फिर मिलेंगे। हम आपको बाहर तक छोड़ने आते हैं। मुझे उससे घर से कहीं दूर ले जाना होगा, सबकी नजरों से दूर, अकेले में, जहां हम दोनों कंफर्टेबल हो। अगर उसे बात नहीं करनी होगी तो मैं ये बात घर पर भी नहीं कर सकता। यहां ओया है और सहरिया भी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम अब कोई बच्चे नहीं हो। के निकल गए। मैं सिर्फ इन्हें देखकर पूरा नहीं कर सकती। ये गैप मिटाने के लिए तो मुझे दिन रात पढ़ना होगा। पता नहीं मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी, पर मुझे ये करना होगा। ये कौन है? हेलो, गुड डे मिसेस रेहान, मैं प्रोफेसर बुर्गा की असिस्टेंट असली बोल रही हूँ। क्या आपके पास समय है? हाँ है, बताइए क्या हुआ? मिस्टर बुर्गा ने मुझसे कहा था कि आप मिस्टर एमिर की पत्नी हैं। मैंने इसलिए कॉल किया था कि अगर आपको स्कूल में किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बिना सोचे मुझसे कह सकती है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर आप इसे सेव कर लेंगी तो आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। मैं समझ गई, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ये क्या है? मेरा सरनेम तारहून है, इसलिए मुझे अलग ट्रीट किया जा रहा है। और अगर इस बारे में उनसे बात करूंगी तो वो क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर फट जाएगा, शायद मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। सिर से लेकर गर्दन तक सब कुछ दर्द कर रहा है। तुम तो बाल बाल बची हो जाविदा, शुक्र मनाओ ऊपर वाले का। एमिर ने आज तो उस पर यकीन नहीं किया, पर आगे क्या होगा? किसे पता कि वो क्या करेगी, क्या वो क्या कहेगी? एमिर तो ठीक है, पर क्या होगा अगर पुलिस को मुझ पर शक हो गया? ऊपर वाले, अब इस टेंशन को और कितना बर्दाश्त करना होगा? हर पल दिल में एक दर्द सा रहता है। मुझे कुछ तो करना होगा, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ये मौका ऐसे गंवा नहीं सकती।
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो। मैं उस फोन कॉल पे अटक गई हूँ। अगर मैं अभी जाकर उनसे बात करूंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं जाकर कह दूंगी कि मुझे किसी तरह की मदद नहीं चाहिए, क्या वो मुझे समझ पाएंगे? चलो रेहान, चलो, तुम्हें ये करना होगा। ठीक है, फोकस करो, फोकस। तो कैसा चल रहा है? अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छा है। पर कुछ नहीं, मैं इसे संभालने की कोशिश कर रही हूं। कितने प्यारे तरीके से मेरी जिंदगी में आई। देखो, अब तुम्हारे जरिए मैं अपने यूनिवर्सिटी के दिन वापस जी सकता हूं। हाँ, पर मैं ये ठीक से नहीं कर सकता, ये बात मैं जानता हूं। कागज सब तरफ बिखरे रहते थे, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ पेपर बिखेर दूं। डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, मुझे पढ़ना है और बहुत सारा काम भी है। और प्रोफेसर एडम ने क्या कहा आपने सुना ना, उन्हें मुझ पर कितना यकीन है। मैंने सुना था, मुझे भरोसा है जितना उन्हें यकीन है तुम पर, तुम उतना ही कामयाब होकर दिखाओगी। पर छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से तुम्हारी कामयाबी रुक नहीं जाएगी, समझ रही हो? हाँ, छोटे ब्रेक्स लेकर अगर किसी का ध्यान भटकता है तो वो बाधा ही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा ध्यान भटके। तो मैं तुम्हारा ध्यान भटका रहा हूँ? जरा फिर से एक बार कहना। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, कम ऑन, मुझे पढ़ने दीजिए। क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? बोलो ना, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? चलो अब कॉल कर भिलो जल्दी। हाँ जल्दी बताओ, मैं सुन रही हूँ।
तुम्हारा कहने का मतलब है ये काम करेगा? तुम्हें पूरा यकीन है ना? हाँ मैं समझ गई, बहुत अच्छे से। चलो मुझे कल तुम उससे मिलवा दो। तुमने ही मुझे ये करने पर मजबूर किया है जैमरे। चलो देखते हैं तुम हो कौन, आदम गेंजोलो। नहीं, मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। ठीक है फिर, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम सिर्फ बोलो, मैं जिंदगी के आखिरी पल तक तुम्हें सुनता रहूंगा। मुझे एक जरूरी बात करनी है, मतलब मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है बोलो फिर, मैं सुन रहा हूँ। क्या प्लीज अब से आप मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आएंगे? बस मैं बाकी सब लोगों की तरह पढ़ना चाहती हूँ, मतलब बिना किसी मदद के खुद मेहनत करके। ठीक है, पर अचानक से ये बात कहाँ से आ गई, बिना किसी वजह के? बिना किसी कारण के नहीं, वो प्रोफेसर बोर्गा के असिस्टेंट का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, और ये सब इसीलिए क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। मतलब वो जो कुछ भी कर रहे हैं सब ठीक है, अच्छी बात है, पर मुझे पसंद नहीं है। आपने मेरी पहले ही बहुत मदद की है, आपकी वजह से मेरा सेमेस्टर मिस नहीं हुआ, लेकिन अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करेंगे, ठीक है? हाँ, और एक बात, मैं आपकी पत्नी हूं, ये बात किसी को बताना चले अगर आपको बुरा ना लगे तो। मैं समझ गया, ठीक है, अब से यासीन ही तुम्हें ड्रॉप कर दिया करेगा। थैंक यू वेरी मच, आप दुनिया के सबसे 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 समझदार पति हैं। ठीक है, वो गुस्सा है क्योंकि हिजर अंकल इतने सालों के बाद आए हैं, पर वो कहती है कि एटलीस्ट वो एक्सप्रेस तो कर पाए। मुझे अंदर जाकर खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए।
अब हमें कुछ चीजों के बारे में बात करनी होगी। अब भागना बेकार है, हम दोनों भाग नहीं सकते। मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, पर वो आदम पर कैसे भरोसा करो? तुम्हारे आसपास घूमता है, यहां तक कि तुम्हारे घर तक आ गया। पता नहीं वो है कौन। पानी लेकर आता हूं। फिर आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, मैं सो नहीं पा रहा। क्यों? ये मेरी वजह से है ना? मैंने स्कूल के बारे में तुमसे जो कहा उस वजह से। देखो, मैं अपनी वाइफ को अच्छे से जानता हूं। मुझसे बेहतर उसकी हर परिस्थिति का सामना करने की मजबूती कोई नहीं जान सकता। अगर इसका उल्टा होता तो अजीब लगता। चलो अब तुम सो जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं पानी पीकर अभी आता हूं। इसे मुझसे क्या बात करनी है? बेवकूफ मत बनो नारायण। अगर वो उस समय नहीं जाते ना, तो आज वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम अचानक दरवाजे के सामने आकर बता दो। अब वक्त निकल चुका है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो वो ये नहीं कर सकते, काफी दिक्कतें हैं। नहीं, इस बार तो नहीं। इस बार ये बहुत सीरियस है। लगता है आज की रात तुम सो नहीं पाओगी नारे।
सब जगह वही चीज है, अकेडमी, करियर, उसकी ट्रेनिंग, उसकी कुछ फोटोज, सब कुछ वही है। अगर मैं उसे काम के लिए हायर करता तो मैं भी कहता कि ये बहुत ब्रिलियंट आदमी है, अगर सिर्फ ये काम नहीं करता तो। मेरी पत्नी के चारों ओर घूमते रहना, ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। I'm sure कि ये आदम कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है, वरना वो नोट्स लेकर ऐसे घर पे थोड़ी आ जाता है, इतना बच्चा थोड़ी है। और कोई तरीका है ही नहीं। कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूं, शुक्रिया। हाँ, तो तुम सोच रहे होगे कि मैंने इस समय कॉल क्यों किया, राइट? सच तो यह है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे ऐसा कुछ कहूंगा। मैं ऐसे रिक्वेस्ट तो नहीं करना चाहता था, पर गुड मॉर्निंग। अरे, ये बदली हुई चाल किसके लिए है? मैं तो हमेशा जैसा ही हूँ। हमेशा जैसे? देखते हैं। नरेन कहाँ है? मैंने आज सुबह उसे देखा था, क्या वो अपने कमरे में नहीं है? जब मैं उठा तो वो वहाँ नहीं थी। अब हमें कुछ चीजों के बारे में बात करनी होगी। अब भागना बेकार है, हम दोनों भाग नहीं सकते। उफ़ मेरे कद्दू, पता नहीं तुम्हें क्या बात करनी है, परेशानी में डाल दिया मुझे। इधर से या उधर से, दोनों तरफ से मैं ही प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। क्या वो मुझे बताएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर उसने बता दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? वो बिना रुके हिज़र अंकल को डिफेंड कर रहा है। शायद वो हिज़र अंकल के जरिए अपने बारे में बताना चाहता होगा। पता नहीं अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो नरेन, कहाँ हो तुम? कहाँ हूँ मैं?
मैं वो बीच पर घूम रही हूँ। वेल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? नहीं, मेरा मतलब है मत आना, मैं खुद आ रही हूँ वहाँ पर। मुश्किल से आखिरी मिनट में अपना होमवर्क खत्म किया। मैं इतनी डर गई थी कि मुझे लगा पूरा ही नहीं होगा, पर उम्मीद है कि सब ठीक हुआ होगा। मतलब इतना भी अच्छा नहीं हुआ होगा, पर जितना भी हुआ है मुझे लगता है ठीक है। मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करूंगी। एक बात तो पक्की है कि जिस चीज को तुम छू लेती हो वो कभी फेल नहीं हो सकती, और इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है। लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए, हम बहुत लेट हो चुके हैं। यासीन तैयार है, तुम्हारे लिए कार में वेट कर रहा है। मुझे लगा था आप मेरी बात नहीं सुनोगे, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें दरवाजे तक नहीं छोड़ने आ सकता, राइट? ये तो ठीक रहेगा शायद से। चलो। तुम्हारे होमवर्क के बारे में कहा था वो मजाक में नहीं कहा था, सच बोल रहा था मैं। तो आपने देखा था? थैंक यू सो मच, सी यू, यू टेक केयर। मैंने कपड़े धोने को डाल दिए हैं, अब सब जगह साफ है, मैं मीट बॉल बनाकर रख देती हूँ। क्या बात है सहरिये? हाँ? क्या चल रहा है, कोई पीछा कर रहा है आपका क्या? मेरा बेटा केमाल पीछा कर रहा है, वो चाहता है कि बहुत अच्छे से टेबल पर खाना लगा हो। तब तक मैंने कपड़े धो लिए, अब मैं खाना लगा हो मतलब क्यों, कोई आने वाला है क्या? मुझे सच में नहीं पता, इन दिनों मेरे बेटे के साथ कुछ तो चल रहा है, बड़ी मुश्किल से कुछ बोलता है, और जब बोलता है तो अजीब तरीके से। अजीब कैसे मतलब? मुझे नहीं पता, जैसे कि उसका ध्यान कहीं और ही है। वैसे मुझे अभी अपनी दोस्त के पास जाना था। देखो मैं फिर से बातों में लग गई, मुझे इतने काम करने हैं, तुम बिना मुझे अपना काम करने। क्या कोई मेहमान आने वाला है? हो सकता है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। हाँ नारन डियर, लगता आज तुम्हारा स्पेशल डे है। मैं समझी नहीं, मुझसे कहा गया कि आसपास नहीं रहना आज। ऐसा क्यों कहा उसने? वेल, जब तुम दोनों अकेले हो तो मेरे भाई से तुम खुद ही पूछ लेना। मैं अब निकलती हूँ, बाद में मिलूंगी, बाय।
देखो मुझे लगता है तुम्हें जो चाहिए उसके लिए सिर्फ दो इलेक्ट्रिक शॉक्स काफी होंगे। उससे उसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो सब कुछ साफ हो जाएगा और सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। उम्मीद तो यही करती हूँ। उसने इतना कुछ सहा है, शायद वो ये भी सह ही लेगी। बेचारी लड़की बिना बोले वो रिकवर नहीं कर पाएगी। मेरा मतलब है कि मैं उसकी भलाई चाहती हूँ। तुम मुझे कहीं गलत मत समझ लेना। जैसा तुम चाहो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए और अगर नहीं मिले तो। तुम कहना चाहते हो कि तुम इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस का यूज करोगे? मेरा मतलब तुम्हें यकीन है कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना? बिल्कुल है, 100% है। मैं हॉस्पिटल में कई सालों से काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टरों से भी ज्यादा डॉक्टर बन चुका हूँ ये कह सकती हूँ। चलो ये मान सकती हो कि मेरे पास डिप्लोमा या डिग्री वगैरह नहीं है। मुझे निकाल दिया गया पर मैं अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तुम पैसों के बारे में बताओ। ये आधे पैसे हैं। आखिर में डर की कोई जगह नहीं होती है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। कहा जो होना है वो होगा, पर नहीं। अच्छा यही होगा कि मैं कमरे से बाहर ही ना जाऊं। मैं कह दूंगी कि मुझे नींद आ रही है या कह दूंगी मैं बीमार हूं। बेटी तुम चलो, मेरा बेटा नीचे गया है। मैं बाथरूम में थी, मैंने देखा नहीं। क्या बात है? वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खाना बिल्कुल तैयार है। तुम तो हर रोज की तरह कपड़े पहने हुई हो। तुम लोगों को अच्छा समय साथ बिताना है। शायद उसके साथ कोई जरूरी मेहमान आया है। तुम अपने पति को निराश तो नहीं करना चाहोगी ना? ठीक है, मैं कपड़े बदलती हूँ। चलो मैं चलती हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो।